हेलो एवरीवन, दिस इज लिजियार और आज आप लोगों का स्वागत है लॉस्ट टैलेंट के मैप में। सो लास्ट एपिसोड में एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही लकी हुआ। लास्ट सेकंड पे हाई लेवल का बसिलो का मिलना और फिर जब मटन का ऑलमोस्ट स्पॉइलिंग टाइम होने वाला था, लास्ट फ्यू सेकंड्स में उसका ऑलमोस्ट 100% पे टेम करना, और वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस था। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है, मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि वो वीडियो जाके देखे, बहुत ज़्यादा अच्छा था, आप लोगों को अच्छा लगे। सो उसके बाद क्या हुआ कि एक्चुअली मुझे उसमें दो बासिलोस मिले थे। तो अब जो लोग देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि अगर मुझे दो मिला तो ये तीसरा बासिलो यहाँ पर कहाँ से है। सो क्या हुआ कि ये एक्चुअली सेकंड वाला बासिलो है जो कि मुझे फीमेल मिला था 270, जिसको लास्ट लास्ट में मैंने टेमिंग शुरुआत करके छोड़ दिया था। और ये था मेरा सबसे पहला बासिलो जो कि जिसको मैंने 100% पे टेम किया था। बट इन दोनों को छोड़ के ये है तीसरा जिसको मैंने एक्चुअली ब्रीड किया है। तो ये दोनों को जब ब्रीड किया था तो इसको मैं किया, और ये एक्चुअली में इम्प्रिंटेड है 100%। साथ ही साथ ये वन म्यूटेटेड भी है, तो एक कहीं ना कहीं इसका स्टैट्स म्यूटेशन से आया है इसका, और ये एक्चुअली बाकी दोनों से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब मैं तीनों के स्टैट्स को बिल्कुल भी बढ़ाया नहीं हूँ, मीन्स तीनों का स्टैट्स अभी भी पूरा रॉ है। लाइक अगर इसका देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पॉइंट 74 पॉइंट्स हेल्थ में था, और इसका 74 पॉइंट्स हेल्थ में, कहीं ना कहीं इसका इसके मदद से इसका हेल्थ आया। और अगर इसका मैं देखूँ तो इसका सबसे बेस्ट स्टैट्स ऑक्सीजन और डैमेज था जो कि 68, और इसका अगर मैं देखूँ तो 68 डैमेज और 73 इसका ऑक्सीजन है। सो इसका डैमेज अगर मैं 677 देखूँ और 35,000 हेल्थ है, तो इसका ऑलमोस्ट 49,000 हेल्थ है और 863 इसका डैमेज है। तो कहीं ना कहीं म्यूटेशन जो लग रहा है वो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो इसका हेल्थ में चले गया। और उसके बाद अगर इसका देखा जाए तो 30 ये, और उसके बाद अगर मैं इम्प्रिंटिंग का 100% बात करूँ तो वो पूरा अलग है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मैं इम्प्रिंटिंग किया तो मैं यहाँ पे क्यों वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो सिचुएशन ये हुआ कि सब लोग जानते हैं कि क्या ये और ठीक है, तो सब लोग जानते हैं कि एक्चुअली में बासिलो जो एक्वाटिक क्रिएचर है उसके लिए अच्छा खासा पानी का जरूरत है, जहाँ पे मैं उसको ब्रीड कर सकूँ, उसके बेबी को बड़ा कर सकूँ, और वो जेस्टेशन पीरियड में जाए, उसके बाद जब वो बेबी दे तो उसको फिर बड़ा कर सकूँ। तो मैं क्या सोचा कि अपने बेस पे जाने से अच्छा है मैं आराम से यहीं पे वेट कर रहा था। और वेट करने से क्या हुआ कि आराम से मैं यहीं पे फीड ये कर रहा था, इन लोगों को पासी में डाल के यहाँ ब्रीडिंग कर रहा था। जब तक वो लोग ब्रीड हो रहे थे तब तक मैं आराम से अपने सार्कोसूचस से ये करने लग गया, आराम से कलेक्शन करने लग गया। तो ऑलमोस्ट मेरा जितना भी फूड लेवल था फुल हो चुका था, और सार्को भी मेरा अच्छा खासा लेवल पे अभी हो चुका है। लाइक ऑलमोस्ट ये पहुंच चुका है 485, जिसका डैमेज आउटपुट ही 1500% पे आ चुका है, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। ठीक, तो अभी क्या हो रहा है कि मैं यहाँ से निकलने का सोच रहा था अब, बट मैं क्यों नहीं गया वो मैं बताता हूँ। तो जस्ट वो चीज़ मुझे एक्चुअली लास्ट लास्ट में मिला, तो मैं उसके लिए पूरा रोक दिया था वीडियो। अब मैं अंदर जाके मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पर रुकने का सबसे मेन कारण ये है कि जब मैं यहाँ पे घूम रहा था एक्चुअली फूड के लिए, तो क्या हो रहा था कि हर सार्कों को मैं मारते जा रहा था, जितना भी मेगालोडॉन्स थे उन लोगों को मार मार के मैं लेवल अप कर रहा था, मुझे ये मिला। तो ये एक्चुअली अल्फा है, और एक अल्फा अगर मुझे मिला है तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि अल्फा मेरे बासिलो को लेवल अप करने के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं बस इसीलिए यहाँ पे रुक गया, जब तक मेरा बासिलो लेवल अप हो रहा था नया वाला बेबी वाला जो कि इम्प्रिंटेड है, उसको मैं लिखूँगा एक्वा जेट नाम से, कुछ सोचा हूँ बहुत अच्छा नाम मीन्स टाइम लगा उसको, तो इसको मैं जानबूझ के थोड़ा सा बाहर ला रहा हूँ। एक्चुअली बात ये हो रहा है कि मेरा बासिलो का मेरे पास अभी तक सैडल नहीं है। सो कहीं ना कहीं मेरे लिए अभी थोड़ा सा दिक्कत वही होने वाला है। सॉरी, हाँ, तो इसको थोड़ा सा बस यहाँ पर मैं पहुँचा दूँ, और उसके बाद क्या करूँगा कि जो बेबी है उसको मैं सोच रहा हूँ इसको अटैक ऑन टारगेट करने के लिए। तो क्या होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ इसी मेगालोडन को मारेगा। अब मेगालोडन को अब मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या यार, वो तो बिना सैडल का है और ये ऑलमोस्ट अल्फा है, सो कैसे चांसेस हैं। चांसेस इन द सेंस ये है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसी को अटैक करवाना है। तो ये रहा, और उसके बाद पहले इसको पानी में डालते हैं। सॉरी, हाँ, और वैसे तो मैं लेवल अप कुछ किया नहीं हूँ, मैं जानबूझ के कर भी नहीं रहा हूँ, वो बाद में देखेंगे। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर मैं इसको ये करता हूँ, और इसके बाद अगर मैं इसको न्यूट्रल कर देता हूँ तो छोड़ देता हूँ, और इसके बाद अगर मैं इसको फॉलो करवाता हूँ, जैसे कि मैं बताता हूँ कैसे मैं बोल रहा हूँ। हम क्या करेंगे, पहले अल्फा को लेकर आएंगे,
और उसके बाद उसको इससे लड़वाएंगे, और अल्फा को ये खुद मारेगा और वो लेवल अप होगा। मैं चाह रहा हूँ कि अल्फा के जितने भी पॉइंट्स रहेंगे वो इसी को पूरा का पूरा मिले। और ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा, इसको मैं मिस नहीं करना चाहता। तो मैं थोड़ा सा मेगालोडॉन से इसको बाकियों से दूर ले जाना चाहता हूँ, ताकि ज़्यादा मेगालोडॉन के अगेंस्ट में मेरा बासिलो ना चले जाए। और मैं इसी बहाने ये भी चेक कर लूँगा कि एक्चुअली में मेरा मेगालोडॉन का डैमेज कितना है, बट वो गया किधर। आई गेस कि वो आ रहा है अटैक करने। ठीक है, थोड़ा सा और इधर। ओ सब लगता है फाइट शुरू होने वाला है, तो थोड़ा सा गामा बढ़ा देते हैं एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं उसको सपोर्ट करने के लिए बाकी भी डायनोस को लेकर आऊँगा, बट मैं जानबूझ के चाह रहा हूँ कि वो मेगालोडॉन बस उसी को अटैक करें, और उसके बाद हमारा मेगालोडॉन उसको मार रहा है, सॉरी बासिलो मेगालोडॉन को मार रहा है। तो अगर मैं डैमेज आउटपुट का चेक करूँ दोनों के बीच में, तो हम लोग का बासिलो ऑलमोस्ट 405 डैमेज दे रहा है, जबकि जो मेगालोडॉन है, मेगालोडॉन एक्चुअली कितना डैमेज दे रहा है पहले तो बाकी स्पेक्टेटर्स को हटा दिया जाए। किधर गया? क्या आसपास में और भी कोई है? नहीं तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि ऑलमोस्ट सपोर्ट के लिए बस उसको मार सकता हूँ, बट मेरे को डर है कि कहीं मैं गलती से उसको मार ना दूँ, इसलिए मैं आराम से वेट कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि कितना टाइम लेगा। और देखना चाहता हूँ कि एक 459 लेवल का बासिलो 100% इम्प्रिंटेड के साथ, वन म्यूटेशन के साथ, अगर एक लेवल 20 ही है शायद, ये ज़्यादा भी हाई लेवल का अल्फा नहीं है, लेवल 40 का अल्फा है, उसको मारने पर उसका हेल्थ कितना गिरेगा उस हिसाब से पता चल जाएगा। जब मैं उसका सैडल पे काम करूँगा तो वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। तो अच्छा है कि मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये मिल गया है। आई नो कि ये वो वाला कलर नहीं है जो मुझे कलर चाहिए था एक्चुअली। इसका जो मेल वाला जो था, इसका जो फादर था बासिलो का, वो एक्चुअली बहुत अच्छा कलर हुआ था, मुझे वही चाहिए था, बट चलेगा। उसका स्टैट्स बहुत ज़्यादा ही बेटर है दोनों के हिसाब से, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसको रखना ज़्यादा बेटर। एक्वाटिक्स में यही दिक्कत है एक्चुअली फाइट करना, ये लोग लड़ेंगे काम और घूमेंगे ज़्यादा, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग है। किधर गया? लो हो चुका है उसका बॉडी पे, वैसे तो सब दिखना शुरू हो गया, बट देखते हैं क्या वो भागने का कोशिश कर रहा है। नहीं, एक मिनट, मैं शायद यहाँ से रह के देख सकता हूँ। लगता है कि इतना स्पेक्टेटर्स का होना जरूरी है, हम बाकियों को मार देंगे। और वो मेगालोडन ऑलमोस्ट मरने वाला है। ओह, ये कुछ हुआ ना, तो अब एक काम करते हैं, इसको पहले अंदर ले लेते हैं और इसके बाद इन लोगों को मार देंगे। और फिर अल्फा मेगालोडॉन को थोड़ा ट्रॉफी कलेक्ट कर लेते हैं, बट पहले इसको मारा जाए। मुझे वैसे तो क्नाइडेरिया से बहुत डर है, बट अगर जब तक क्नाइडेरिया को अटैक करने का मौका नहीं मिलेगा तब तक टेंशन नहीं। पहले इसको मारा जाए और उसके बाद फिर अल्फा ट्रॉफी कलेक्ट किया जाए, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी के लिए। तो ये शायद सब कंप्लीट हो चुका है, और क्या हुआ? बायोटॉक्सिन्स ऑलमोस्ट 39। अब चेक किया जाए कि इसके पास एक्चुअली में सेट। अरे ब्रो, क्या हुआ? बट क्या मिला बोलना? ओके, ओ 242 का फिक्सर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे अच्छे बहुत अच्छे। और मेरा बाय द वे सर्को को कितना लेवल अप है? सर्को ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लेवल अप है, तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जाके चेक किया जा सकता है कि एक्चुअली में कितना ज़्यादा लेवल मिला है, और उसको मैं इसी बहाने पास भी कर दूंगा, और उसी के साथ हम लोग जाएंगे इसका सैडल बनाने। तो देखा जाएगा क्या चल रहा है।
के, और इसका 459 एक्चुअली मेरा हेल्थ था, और 242 देखा मेरे पास। बाय द वे सिक्स एक्स है कितने लेवल परसेंट का, 197, और ये है 242। 184 के साथ मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बेटर है। थोड़ा सा इसको स्किन निकाल के अगर मैं इस पर लगा के इसको ट्रांसफर कर दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद फिर इसको फेंक दो, इसको फेंक देते हैं, ये किसी काम का नहीं है। ये सब बहुत अच्छे हैं, और अब बारी आता है इसका चेक करने का कि हुआ क्या। तो एक लेवल 40 के मेगालोडॉन को मारने में एक बासिलो को कितना ज़्यादा पॉइंट्स मिला है वो देखा जाएगा। ओह ऑलमोस्ट 26, एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। 26 नहीं, एक्चुअली 23 होगा क्योंकि 3 पॉइंट्स मेरा पहले से था। सो हेल्थ देखा जाए तो कितना बढ़ता है, लाइक 49,000 है, और अगर एक करो तो 54, ओह 5,000 बढ़ जा रहा है, तो ये अच्छा है। मैं ऑलमोस्ट इसका 1 लाख हेल्थ कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट में। तो मैं उतना नहीं सोच रहा हूँ, 1 मिनट, 50 भी नहीं, 10 पॉइंट में सिर्फ, यही 75 हो गया है। मैं सोच रहा हूँ 1 लाख एक्चुअली में बेटर है, सच में ज़्यादा बेटर है बासिलो का। और उसके बाद इसका मूवमेंट स्पीड कभी बढ़ाने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि बासिलो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं अगर बाकियों के हिसाब से देखा जाए तो। तो अगर कोई और चीज़ पर मुझे ध्यान देना है तो स्टेमिना का टेंशन नहीं है, क्योंकि स्टेमिना इनका अच्छा खासा है। तब भी मैं एक पॉइंट बढ़ा के देख लेता हूँ कि 23-40 के हिसाब से अगर एक बढ़े तो कितना होता है, 25-870, तो ऑलमोस्ट 200-250 के आसपास वो काफ़ी है। वेट देखना है, डैमेज आउटपुट देखना, बाकी का कहीं। तो वेट एक्चुअली 2200 है, और अगर 1 पॉइंट में बढ़ाता हूँ तो 90, तो ऑलमोस्ट 88 पॉइंट के आसपास बढ़ रहा है, ये सही है। मैं इसको आराम से 5,000 के आसपास पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि अब हेल्थ और नहीं मैं बढ़ाने वाला, ऑलमोस्ट 1 लाख हो चुका है। और इसको मैं जैसे कार्यो करूंगा तो वापस इसका हेल्थ धीरे धीरे और स्पीड में बढ़ जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं है। जब वैसे भी आधे ज़्यादा टाइम में लैंड पे रहने वाला हूँ तो इसका हेल्थ फुल ही रहेगा। और अगर उसके अलावा मुझे कोई चीज़ ध्यान देना है तो इसका फूड मेरे को बचा के रखना है ताकि दिक्कत ना। अब अगर डैमेज पर मैं जाता हूँ तो डैमेज क्या करना है कि 863 इसका डैमेज है, और अगर मैं 1 पॉइंट पर बढ़ाता हूँ तो ये हो जा रहा है 898। वाओ 35 पॉइंट सीधे 1 पॉइंट पे मिली डैमेज। तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि पहले मुझे इसको 2500 प्लस कर देना चाहिए, और उसके बाद जितना है आई गेस कि 1243 अभी के लिए काफ़ी है। और उसके बाद फिर कुछ वेट पॉइंट में 3500 तक पहुँचाऊँगा, फिर वापस मिली डैमेज पे लग जाऊँगा, बाकी का मुझे लग रहा है कि उस हिसाब से करना सही रहेगा। तो आई गेस कि कुछ ज़्यादा ही पावरफुल मुझे बासिलो मिल गया आफ्टर इम्प्रिंटिंग, तो और वो भी है वनीला सर्वर में। तो ओ शायद ये बाबू हमारे ज़मीन पे चलने के लिए नहीं है। और उसके साथ हमें कुछ 2 मेगालोडॉन के ट्रॉफीज मिल गए अल्फा के, जो कि एक्चुअली में डिजर्व हम करते हैं। और ये तो ये है फिन मेगालोडॉन से, और ये है टूथ नॉर्मल मेगालोडॉन से। तो ऐसा नहीं यार, देना था तो दोनों मेगालोडॉन के दे देते तो सही रहता। वैसे तो देखा जाए तो मेरे पास सैडल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि बायोटॉक्सिन्स के लिए हम लोग कल फार्म के लिए निकलेंगे। कल मैं बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि जितना जल्दी अगर मैं बायोटॉक्सिन्स के लिए अभी ध्यान दे दूँगा तो सही रहेगा। अब बायोटॉक्सिन्स के बाद हम लोग पूरा का पूरा ध्यान देने वाले हैं। क्या ये वही जगह है? नहीं। तो एक बार अगर बायोटॉक्सिन्स हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे कि किधर गया, जब बायोडक्शन ऑलमोस्ट यहाँ का कलेक्शन सब हो जाएगा उसके बाद फिर निकलेंगे ट्रैंकुलाइज शॉकिंग ट्रैंकडर्ट बनाने के लिए। उसको फिर ऑलमोस्ट 200-500 के आसपास बनाना है। और अगर मैं चेक करूँ कि बायोडक्शन नॉर्मली कितने लगते हैं तो क्या होगा कि शॉकिंग ट्रैंकुलाइजर डार्ट्स मुझे अगर 500 के आसपास शुरुआत में चाहिए तो ऑलमोस्ट 1500 के आसपास बायोडक्शन चाहिए। तो हम लोग का कल जो मेन काम है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोग पूरा बायोटॉक्सिन्स के फार्मिंग में जाने वाले, पूरा टाइम लग जाएगा। तो यही वो जगह है जहाँ पे मैं एक्चुअली गीगा के साथ मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है। तो ये रहा टेटानो और ये रहा गीगा। गीगा को एक्चुअली मैं ट्रैप के अंदर डाला था और मैं यहाँ से निकल गया था, पता नहीं क्या हुआ, जब मैं वापस आया तो वो ऑलमोस्ट ट्रैप से खुद ऑटोमेटिक बाहर निकल गया। तो बहुत ख़राब मेरे साथ होते हुए जा रहा है यार, ऑलमोस्ट मेरा मेविंग मर गया उसके पहले वाले एपिसोड में, फिर ये वो बहुत गड़बड़ अब होते ही जा रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं पहले शॉकिंग ट्रैंकुलाइजर डार्ट्स चाहिए उसको टेम करने के लिए, क्योंकि मेरा स्नाइपर का उतना भी डैमेज नहीं है जितना मैं सोच रहा था। 1 मिनट के बाद 228 ना बहुत ज़्यादा ही लो है अगर नॉर्मल के हिसाब से देखा जाए। और ऊपर से एक असेंडेंट लॉन्ग नाइक राइफल है जो कि मुझे मिला था केव से, हाँ शायद। तो इतना
ना मीन्स अगर असेंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो एटलीस्ट 300 होना चाहिए था या 350 होना चाहिए था ताकि थोड़ा सा मेरा फायदा होता, बट नहीं यार मैं 265 तक गया। तो कहीं ना कहीं वही रीज़न था मेरा ऐसा ये हाल होने का। उसी के बाद से पूरा पीछे पड़ गया हूँ कि अब मुझे चाहिए तो सिर्फ वो वही गीगा चाहिए 290 वाला, बट उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है कहीं ना कहीं, तो देखा जाएगा। और बाकी जहाँ तक बात है इनक्यूबेटर का, तो जस्ट ये गीगा कंप्लीट हो जाएगा और उसी के बाद फिर मैं इनक्यूबेटर्स और इनक्यूबेटर्स के साथ Y1X का भी मैं सोच रहा हूँ जल्दी करने का, क्योंकि मेरे पास Y1 और मैग्मा सोर्स के अच्छे खासे X है हाई लेवल के। बट मैं नहीं जानता हूँ, हम लोग को पहले मैग्मा सोर Y1 को एक में अच्छे से करना पड़ेगा, हैच करना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करेंगे मैग्मा सोर को हैच करके उनको इम्प्रिंट करके फिर जाएंगे उन लोगों का ब्रीडिंग कराने के लिए पूरा लावा में। तो कहीं ना कहीं वो भी चीज़ है नया, देखते हैं दो तीन चीज़ अलग अलग टारगेट है। ओ मैं हाँ एक दो ड्रॉप चेक कर लेता हूँ, क्या पता कोई और अच्छा लूट मिल जाए, कहीं ना कहीं बहुत टाइम हो गया मैं एक्चुअली अब उतना ड्रॉप नहीं लूट पा रहा हूँ अगर सच बात बोलूँ तो। हाँ फालतू एक बार बस हो जाए और उसके बाद फिर हम निकलेंगे डैमेज का टेस्टिंग करने। ये जगह एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही बेस्ट है यहाँ पे, क्यों मैं बनाऊँ टेस्टिंग करूँ, ये जगह चारों ओर इतना मस्त सर्कल बना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ पे भी घूमता रहूँगा ना तो मेरा पूरा बासिलो अच्छा खासा लेवल अप हो जाएगा। क्या हो गया? अरे भाई इतना टाइम नहीं है मेरे पास। पता नहीं ये जो जगह है ना एक्चुअली मैं यहाँ पे इतना सारा स्ट्रक्चर्स यूज कर चुका हूँ कि इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेरा गेम बहुत लैग, आसपास के एरियाज में उतना नहीं होता जहाँ पे बहुत सारे डाइनोज, यहाँ पे बहुत सारे जैसे कि ये है स्टफ्स है, वहाँ पे मेरा गेम अचानक से अटक जाता है, पता नहीं क्यों कब से ऐसा सेटिंग हो गया मैं भी नहीं जान पा रहा हूँ। तो देखते हैं, और जहाँ तक बात आ रहा है बाकी चीज़ों का, लाइक एक मिनट, तो शायद मुझे पहले सबसे पहले कुछ भी काम करने से पहले बासिलो का एक सैडल बना लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इजी है। हाँ पहले चेक कर लेता हूँ, क्या पता सच में बासिलो का सैडल अवेलेबल हो। बासिलो नो, तो आई गेस कि सैडल बनाना ज़्यादा बेटर हो। ठीक है तो ऑलमोस्ट बसलो बसलो बसलो, ये बसलो होगा। और उसके अलावा अगर मैं देखो तो जितना भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। और शायद यहाँ पर कुछ भी, तो जो एक्स्ट्रा एग है लाइक एक को मैं छोड़ो, कुछ केबल्स ये सब है तो केबल्स को मैं वापस रख देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं गीगा को जब टेप करने जाएंगे तो यही काम करेगा। बाकी चीज़ों का मुझे लगता नहीं, ये सब को मुझे वापस सुधारना पड़ेगा, मेरा मेविंग मर गया उसको भी देखना पड़ेगा मेविंग का दूसरा वाला। और अगर मैं सैडल का बात करूँ जो कि मैं अभी जस्ट बनाया हूँ, तो हम लोग सैडल बनाने के बाद अभी जाएंगे बासिले को टेस्टिंग करने।
शायद मेरे पास एक मेविंग एक्स्ट्रा होना तो चाहिए, मेविंग। अच्छा हुआ मैं सबको इम्प्रिंट करके रखा था, बट वेट कुछ ज़्यादा ही कम नहीं है? 779, 2075, ये रहा। ओ, उसका सैडल रखा हुआ है। सबसे पहले कोई भी साइड में इलाके में जहाँ पे पानी में चेकिंग कर सके, लाइक मेरे मुझे लग रहा है ये वाला बेटर ऑप्शन है। ठीक है, आसपास में कोई होगा नहीं, और उसके बाद बासिलो जो कि हम लोग सबसे मेन वाला ले रहे हैं जो कि इम्प्रिंटेड होगा, और उसको लेके फिर पानी में जा रहे हैं। पहले तो मैं इसको पासिव करूं, सैडल पहना के फाइट पे चलते हैं। सो ये रहा कैसे मैं करूँ। हम लोगों को बासिलो जिसको लास्ट एपिसोड में एक्चुअली टेम किए भी हैं, इस एपिसोड में उसका ये भी कर दिए हैं, और अभी इसी का टेस्टिंग चलेगा। चलो तो अब देखते हैं कि इसका डैमेज आउटपुट एक्चुअली कैसे हुआ है। सार्को से इंटरेस्टेड नहीं है बसीलो को मारने में, ये चीज़ नया जानने को मिला है। और क्या और कोई क्रिएचर है जो बसीलो के अगेंस्ट में एग्रो हो सकता है? एक्चुअली ये वाला एरिया अच्छा खासा बड़ा एरिया है, तो मैं यहाँ पर एक बासिलो को अपना अच्छा खासा ये लेवलिंग कर सकता हूँ, बट यहाँ पर मैं ब्रीडिंग और ये नहीं कर सकता हूँ। कब को ग्रोइंग ये सब इस स्टेट में यहाँ पर एक्चुअली मैं फाइट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एरिया बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है। यहाँ पर बहुत ही अलग अलग टाइप के क्रिएचर जितने भी हैं, टीके पीटे कर लेके स्ट्राइक को मारना है यार। उसके बाद 781, ओके तो ज़्यादा डैमेज था 781, और वो भी 1278% डैमेज पे। ठीक है, क्या और कोई क्रिएचर है जो उसमें मार के जा सको कि मेरा डैमेज और तो 781 ही मेरा एक्चुअली मेन डैमेज है अगर इसे चेक किया जाए। और जिस हिसाब से इसका स्पीड है और सिलेक्शंस के साथ दिया गया, मुझे लग रहा है कि शायद 781 काफ़ी है। और क्या मैं उधर जा सकता? ओह डैमेज और अटैक स्पीड भी बहुत अच्छा हुआ है। काश यहाँ पे नाइट एरियाज होते तो ज़्यादा बेटर रहता, मुझे बार बार के वैसे तो यहाँ पे मिल जाता है, बट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में। एक्चुअली यही एपिसोड था जिसमें मुझे ये सब क्या है, ओ बहुत सारे एक्स। ठीक है, अच्छा मेरा केबल्स के लिए काम आ जाएगा नेटवर्क, बट पानी के अंदर कौन एक्स देता है यार? वैसे भी एक एक पक कैच करूँगा तो किसका, टेरानोडॉन का एक पानी के अंदर। इधर ये तो बहुत ज़्यादा वियर्ड है, या फिर जस्ट कोइंसिडेंस है कि वो उड़ रहे होंगे और वो उड़ते उड़ते अंडा दे दिए क्योंकि एक्चुअली में ज़्यादा ही वियर्ड है सोचने में भी कि एक उड़ता हुआ टेरानोडॉन एक अंडा हवा में देगी, तो चलेगा। अच्छा इसी बारे में तो भी दुकान केबल का काम किया। ओह तो सार्को से एग्रो नहीं हो सकते हैं, बट हाँ पूरे हो जाएंगे, तो कुछ काम नहीं है ये
सब चीज़ तो करेंगे ही सही। तो ये रहा हमारा फाइनली न्यूली इम्प्रिंटेड बासिलो, जिसको हम अब कल टेस्टिंग में ले जाने वाले हैं बायोटॉक्सिन्स के फार्म में, क्योंकि हम लोगों को अब वहाँ से बायोटॉक्सिन्स कलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर जल्दी अगले एपिसोड में। आई होप कि आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।